स्वर्ण व्रत बीज दिया पंचवटी ने।
तब मेरी भाभी ने सुंदर स्वयं रूप देखा और उसे पकड़ कर लाने का हट करने लगी। राम सिया के लिए उस मृग को लाने के लिए वन में बहुत दूर तक निकल जाते हैं। अंत में मृग पर बाण चलाते हैं और माया जाल टूटता है। छड़ी मारीच प्रकट होता है। प्रकट होकर लक्ष्मण और सिया को पुकारता है। सुनकर सीता घबराती है और लक्ष्मण को आज्ञा देती है, जाओ लक्ष्मण, आज तुम्हें पुकार रहे हैं। सीता माता की रक्षा के लिए लक्ष्मण ने रेखा खींची और उन्हें बाहर ना आने को कहकर चले गए राम के पास। रावण की चाल करीब साधु का वेश धारण, भिक्षाम देही भिक्षाम देही, प्रणाम मुनिवर, मैं अभी आती हूं। मुंशी मुनिवर, हम अंदर नहीं आ सकते देवी, बाहर आकर भिक्षा दीजिए। मैं बाहर नहीं आ सकती मुनिवर, यह एक साधु का अपमान है देवी, मैं जा रहा हूं। नहीं नहीं मुनिवर, मैं बाहर आती हूं। रावण अपनी चाल में कामयाब होता है और सीता को ले जाता है लंका। राम लक्ष्मण सीता को खोजने निकलते हैं। राह में हनुमान मिलते हैं, सुग्रीव मिलते हैं एवं सब मिलकर सीता माता को खोजने लगते हैं। विशाल रूप धारण कर हनुमान पहुंचे माँ सीता को खोजने और लंका में माता सीता को रामचंद्र की अंगूठी दिखाई एवं रावण को ललकार दिया युद्ध के लिए। हनुमान लंका से लौटे और राम को सारी बात बताई। राम युद्ध की तैयारी करने लगे पर सामने बड़ा समुद्र था, वानर सेना लगी कोई बांध नहीं, महासागर पार कर युद्ध शुरू होता है। भगवान श्री राम विजयी हुए एवं सीता सन अयोध्या लौटे। श्री राम की हुई जय जयकार।